जमूर है? तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों किया कल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला, जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। कखघ की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। ये बात समझ लो, 8 घंटा काम की दिहाड़ी होवे पूरे 12 रुपए 60 पैसा, ठीक है? इससे एक ढेला भी कम मत ना लेना, और देख लो बिना पैसा किने खाते पे अंगूठा मत ना लगाना, और ये कोई जोर जबरदस्ती करे ना तो वहीं धर के बैठ जाना, बाहर ना निकलने देना। और देख लक्ष्मी तू बुलाने आ जाइयो इधर, अब बस आगे क्या हम आगे देख लेंगे, हैं? ठीक है भली, चलो अब सगरी जा चल। और देखो घबराना मत ही है, हम सगरे पहुंच जाएंगे। अरे पढ़ना लिखना सीख ले तो आप ही ठीक कर दें ठेकेदारन को। अरे दीदी। हाँ बोलो। जब से ये महिला समिति बनी है तेरे तो दिन रात एक कर दिए, सच्ची जरा भी आराम ना करती। अरे दीदी इतने बरस के बाद तो अब मुझे लगे कि कुछ है सके। अरे अब आराम का बखत तो निकल गया, अब तो जो रास्ता चुना है उसी पे चलना पड़ेगा। अरे आज की पढ़ाई खत्म है गई आपकी? अरे कहाँ रही, जब मूर्ति कौशल्या ये कभी होने देवे पढ़ाई पूरी? इतने सवाल कि भेजा चाट जावे मरी। जाई मारे तो भेजा कौशल्या को उषा बहन जी के पास। अरे बच्चे जनने की सही उम्र क्या होवे है ये पूछ रही हूँ उसे। अरे मोह को तो इतनी शर्म आवे, और सच्ची में कमला मुँह तो पता भी ना है कि सही उम्र होवे क्या। क्यों री मिल गई? आ रही है अभी। तो बैग जाके 14वां पाठ फिर से पढ़वा। 13वां तो समझ में आया ना, और 14वां पढ़वा, मैं ना पढ़ती। और इतनी बार तो समझा दिया, क्या समझ में ना आया? कुछ भी समझ में ना आया, सब गलत सलत लिखा है किताब में। लो सुन लो बात, अब किताब को ही गलत सलत बताना शुरू कर दिया, अब पढ़ाऊं क्या अपना सर? अरे क्या समझ में ना आ रहा तेरी, मैं देखूं क्या लिखा है किताब में? किताब में जो लिखा है कि बहू जब ससुराल में गई ना तो उसके देवर ननद मरद सबने उसको पढ़ने में सहायता की, कहीं ऐसा होवेगा? अरे चल देखूं मैं। आ अरे कहाँ चली गई है हमें यहाँ बिठा के? ये जो गई ही या का सब चाटने। अरे नारी देखो तो सही छोरी को क्या ठीक ना लग रहा, ला दिखा। अरे इस पगली की बात पर ध्यान ना देना, इसे तो हर चीज में नुस्ख नजर आवे। ये देख मौसी। हाँ दिखा। कमला का यह नया घर था। जब जो ये किताब पढ़ू मोको तो बढ़िया सी आए, अरे हर पन्ने में तो मेरा नाम लिखा। अरे तो कुछ भी ना है, इसमें तो तेरे पूरे टब्बर का हाल लिखा है। ये देख, रमेश का गांव था गांगरोली। रमेश तेरे मरद का नाम है कि ना? और तेरी ससुराल भी गांगरोली में। अच्छा तेरी माँ का नाम कलावती है ना? और ये देख, इस कमला की माँ का नाम भी कला। कमला की माता कला। अच्छा तेरे बापू का नाम हाशीश राम। तो ये देख, इसमें भी बोई लिखा है, ये कमला के पिता थे शीशराम। सोले आने तेरी कहानी है। कभी कभी वह मायके की याद करके रोने लगती थी। तू भी रोवे ही मौसी? अरे हाँ 15 की तो ही मैं, बड़ी याद आवे सच्ची।
कमला की सास बड़ी भली थी। जब ही तो मैं कहूँ कि जा में सगरा गलत सलत लिखा है, वो तो रमेश चचा है, बन्ना इसकी सास तो घर से निकलने भी ना देती। मोको का मालूम ना है ठकरिया कैसे खुर्रा थी। अरे चुप, जो गुजर गए उनके बारे में ऐसा नहीं कहते। ऐसे ना बोलते तो ये झूठ भी तो नहीं लिखना चाहिए ना कि कमला की सास बड़ी भली थी। तो चुप ना होने की। अरे बेकार में नाराज है रही है, ये किताब वाली कमला को मैं थोड़ी हूँ। अरे उसकी सास होगी भली। देख, वह कहती कमला घबरा मत, घर के काम काज में जी लगा। कमला की ननद पढ़ी लिखी थी, वह उसे किताबों में पढ़ी बातें बताकर हंसती हंसाती थी। कमला का मन भी पढ़ने को करता था, उसने यह बात रमेश से कही। रमेश ने कहा, घर पर ही पढ़ना लिखना सीख लो मेरी जान। देख, कमला घर पर ही पढ़ना लिखना सीखने लगी। घर में रमेश, ननद, देवर सभी कमला की मदद करते। थोड़े समय में ही कमला ने पढ़ना लिखना सीख लिया, उसका मन भी लग गया। अरे यहाँ में क्या ठीक ना लग रहा तुझे? कुछ भी ठीक ना लग रहा मुझको तो। बाप के घर में तो पढ़ने ना देते हैं और ससुराल में बड़ा पढ़ने देंगे। अरे जरूरी ना है, अब जी कमला कोई देख ले, इसने ससुराल में आके ना सीखा। हाँ पर दीदी, मेरा मरद तो आप पढ़ा लिखा, किसान सभा में काम करे, पर सबके साथ तो ऐसा है ना सके ना। अरे उल्टा ही होवे है, घरवाली के है तो सही पढ़ने की, क्या क्या ना सुनना पड़े है उसको। इसके पाँव में चक्कर है गया है, बेहया है गई है, चैटी पर निकाल रही हैगी। हाँ अरे इस उम्र में जब मैं आप सास दादी है गई तो मुझसे कहे है बुढ़ी घोड़ी लाल लगाऊं, भला बताओ तो। मेरे तो छोरा तक मखौल करने लगे है। अरे बात माई के ससुराल की ना है, औरतों को पढ़ने से तो सगरे ही रोके। पर इस पाठ में जो काम की बात है सो जे है कि अगर ससुराल वाले पढ़े लिखे हो तो बहू भी पढ़ जावे है। पर कहीं होवे है ऐसा? क्यों क्यों ना होवे है, मेरे मरद ने ना पढ़ाया मुको। अच्छा, और जो किसी को रमेश चच्चा जैसा मरद ना मिले तो? अरे तू क्यों घबरा रही है, तू तो पहले से ही पढ़ी लिखी है गई। अब इसके लिए छोरा भी तो पढ़ा लिखा ही ढूंढना पड़ेगा, वो कहाँ से मिल जाएगा? और जो मिल गया वो दहेज मांगेगा डबल। अरे तूने मना ना करा सुशीला मौसी ने पढ़ाई के वक्त घर की बातें करने को? अरे बेकार में नाराज है रही, मेरी बात सुन। देख तू ठीक कह रही है कि सबको पढ़ा लिखा ससुराल मिलेगा कि नहीं, और अगर पढ़ा लिखा ससुराल मिल भी गया तो वो अपनी बहुओं को पढ़ावेंगे कि नहीं। अब देखो जे तो कहा ना जा सके, इसलिए होना जे चाहिए कि सब जगह हमारे जैसा शिक्षा केंद्र हो, महिला समिति हो, इससे औरतों को हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी। अरे कम से कम केंद्र में आने की कोशिश तो करेंगी। अब संगठन नहीं होगा, केंद्र नहीं होगा तो बैठी रहेंगी अपने मर्दन की मेहरबानी के इंतजार में। अब मेहरबानी है गई तो पढ़ लेंगी, और नहीं हुई तो वही जाहिल की लट। वैसे मौसी एक बात बताऊं? अरे अब कौन सी बात रह गई बताने को? जिस गांव में मेरी शादी होगी ना वहां पे मैं एक शिक्षा केंद्र खोलूंगी, महिला समिति तो जरूर ही बनाऊंगी। अब तू क्यों कर रही है अपनी शादी की बात? मैं शादी की बात ना कर रही। फिर वो तेरी समझ में ना आने की। फिर क्या मजा चल रही है? अरे अरे आओ बहन जी, आओ बहन जी। नमस्ते। नमस्ते बहन जी। इन छोरियों ने तो नाक में दम कर दिया, सवाल पूछ पूछ के परेशान कर दिया मुको। क्यों, ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया जिससे तुम परेशान हो गई? अब इसी से पूछो। मैं तो ये कह रही ही कि बच्चे औरतों के क्यों हुए, मर्दन के भी होने चाहिए। कैसी कैसी बातें करे। ये किताब में लिखा है ना कि रमेश कह रहे हैं कि मैं 22 का होके ही बाप बनूंगा। अरे उससे पूछे कोई कि भले मानस तुझे लेना एक ना देना दो, बच्चा तो होगा तेरी घरवाली के, फिर तू 22 का हो कि 122 का, तुझे क्या है ना बहन जी? 22 का तो ठीक है, लेकिन 122 साल का आदमी लाख कोशिश करके भी बाप नहीं बन सकता। अरे ना बहन जी, जे ना कहो, इन मर्दन का कोई भरोसा ना है। क्यों री, तेरा डोकर अभी भी परेशान करे तुझे? अरे हट,
बेशरम। लिखा क्या लिखा है? सास ससुर की चाहत। अरे बहन जी हिंदी से पढ़वाओ ना। सुना दी, तू पढ़ के सुना बहन जी को। रमेश व कमला की शादी को 2 साल हो चुके थे, पर उनके कोई बालक न था। कमला के सास ससुर को दादा दादी बनने का बहुत चाव था। घर में जब यह बात चलती, रमेश चुप हो जाता था। रमेश कम उम्र में पिता न बनना चाहता था। अरे बस भी करो। सुशीला, इसमें लिखा है कि रमेश कम उम्र का था, क्या उम्र थी उसकी? 20 साल का। 20 का? अब ये तो कहीं ना लिखा। लिखा है, मैं दिखाती हूँ, देख। कमला की उम्र 12 साल की थी, 3 साल तक मेहनत की, तब कहीं उनके मन का लड़का मिला। 3 साल बाद मिला, माने कमला है गई 12 से 15 साल की। उम्र में कमला से 3 साल बड़ा था। 15 और 3 18, और अब शादी को है गए 2 साल, तो है गया ना 20 का। अरे बड़ा फर फर हिसाब कर ले वे। अच्छा अब आगे पढ़ो, राम प्यारी पढ़ेगी। मेरी पीछे ही पड़ी रहे वे। रमेश कम उम्र में पिता न बनना चाहता था, उसने यह बात शादी के बाद ही सोच ली थी, पर वह यह बात सबसे कह ना पाता था। रमेश के चाचा ने चुपके से रमेश से बात की। रमेश ने चाचा को मन की बात सच सच बता दी। उसने बताया वह 22 साल से पहले पिता बनना नहीं चाहता। रमेश के चाचा को रमेश की बात जच गई। बस यहाँ तो इतना ही लिखा। तो शादी के वक्त रमेश था 18 का और कमला थी 15 की। देखो भाई, पहली बात तो ये कि उनकी शादी ही कम उम्र में हुई है। कानून के हिसाब से लड़के को 21 का और लड़की को 18 का होना चाहिए। खैर, और 2 साल बीते तो रमेश हो गया 20 का और कमला हो गई 17 की। अब रमेश कहता है कि वो 22 साल का होके ही बाप बनेगा, यानी 2 साल बाद कमला हो जाएगी 19 की। ठीक ही तो कहता है। सच पूछो तो 19-20 की होके ही लड़की माँ बनने लायक होती है। मेरी राय में रमेश को और 1 साल इंतजार करना चाहिए था, ताकि कमला पूरे 20 साल की हो जाती। अच्छा पाठ है, हैं? माँ बनने की सही उम्र कितनी आसानी से समझा दी। पर लड़के को बड़ा होने की क्या जरूरत है, उसे तो पैदा करना ना है। पैदा नहीं करना, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी तो उठानी है। कम उम्र में कैसे रखेगा बीवी बच्चों का ख्याल? अरे पहले खुद तो बचपन से निकले, जवान हो, अपने पैरों पर खड़ा हो, उसके बाद ही परिवार का बोझ उठाने की सोचे। और क्या, नहीं तो उसकी बहू एक हाथ से बच्चे के पोतड़े धोवेगी और दूसरे से अपने घर वाले की नाक पोछेगी। वैसे एक बात और इस पार्ट में समझने की। क्या? रमेश पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, जब ही उनने इतने दूर की सोची। जाहिल होता तो बिचारी को 16 की उम्र में माँ बना डालता। सही बात, बच्चा भी कमजोर होता और माँ की सेहत भी बिगड़ जाती। पर यहाँ मैं पढ़े लिखे लड़के के बारे में लिखा, पढ़ी लिखी बहू के बारे में क्यों ना लिखा? अरे बहू पढ़ी लिखी हो भी तब भी ना चले उसकी। तेने क्या समझ रखा है? उसकी बहू कहेगी कि अभी मत ना करे बच्चा, और वो मान लेगा, उल्टा एक झापड़ लगाएगा उसके, समझी? पढ़े आए झापड़ लगाने वाले। मैं हूं तो मैं साफ कह दूं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये समझ रहा हूँ। मैं ना बनती माँ 20 साल से पहले।
जुबानी। पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत। औरत जो बढ़ गई तो वो दब कर न रहेगी, हरगिज नए समाज के जुल्मों को सहेगी। पढ़ने के हक को पाने की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी। औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये।